जनजागृति संस्थान की ओर से 13 नवंबर से 9 दिवसीय श्रीमद् देवा भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के दौरान वृंदावन की साध्वी कमले सरस्वती मानस चकोरी श्रद्धालुओं को कथा रसपान करवाएगी। कथा की तैयारियों तथा व्यवस्था की जानकारी के लिए संस्थान की ओर से ब्रह्मानंद धाम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान संस्थान पदाधिकारियों ने कथा प्रवक्ता मानस चकोरी जी का माला पहनाकर स्वागत करते हुए आशीर्वाद लिया। इस दौरान संस्थान अध्यक्ष ममता गुप्ता ने बताया कि 9 दिवसीय कथा का आयोजन ब्रह्मानंद धाम में किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि कथा शुभारंभ के मौके पर साकला कॉलोनी स्थित शिव मंदिर से सुबह 10 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। बैंड बाजों की धुन के साथ निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में महिला श्रद्धालु सिर पर मंगल कलश रख कर भाग लेगी। शोभा यात्रा का मार्ग में जगह जगह स्वागत किया जाएगा। शोभा यात्रा के कथा स्थल ब्रह्मानंद धाम पहुंचने के बाद दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली कथा के पहले दिन श्रीमद् देवी भागवत कथा महात्म्य तथा सुखदेव जन्म का वृत्तांत सुनाया जाएगा। 14 नवंबर को देवी प्राकट्य व महिषासुर वध, 15 नवंबर को महाभारत कथा तथा कृष्ण जन्म, 16 नवंबर को नवदुर्गा कथा, 17 नवंबर को सती जन्म, पार्वती अवतार तथा शिव विवाह, 18 नवंबर को गणेश जन्म, कार्तिकेय जन्म तथा शुंभ निशुंभ वध, 19 नवंबर को श्री राम जन्म तथा सीता का काली रूप धारण, 20 नवंबर को शंखचूर्ण वध तथा तुलसी विवाह तथा 21 नवंबर को हरिश्चंद्र कथा तथा तारामती कथा के वृत्तांत का रसपान करवाया जाएगा। अध्यक्ष ममता गुप्ता ने बताया कि कथा आयोजन सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कथा के सफल आयोजन के लिए पदाधिकारियों की समितियों का गठन किया जाकर उन्हें जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष ममता गुप्ता, सावित्री देवड़ा, भावना पमार, सीमा कुमावत, शशि शर्मा, ममता जालवाल, सुशीला कुमावत, इंदिरा सोनी, सुनीता चोपड़ा, ममता जैन, इशिका जैन, राजरानी गुप्ता, कुसुम कुमावत, प्रिया कुमावत, इंदु देवी नाथ तथा सरिता नाथ सहित अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यगण उपस्थित थे। शिव मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। ऑफिस के आगे होते हुए जो गली है पीछे काबरा जी की, उस गली से होते हुए सीधे कॉलेज रोड का रास्ता पकड़ेगी, जो भूतड़ा जी का मकान है उधर से, और कॉलेज रोड से सीधे इधर होते हुए ब्रह्मधाम आएगी। कलश यात्रा हमारी सुबह 10:30 का टाइम है कलश यात्रा का, और कलश के बाद फिर यहाँ पर विश्राम होगा और फिर भागवत, मतलब देवी भागवत का 2 बजे से महात्म। बार तो बहुत दिनों बाद आना हुआ। रोज सोचते हैं कि हाँ चलेंगे चलेंगे, फाइनली आज आ ही गए। मैंने सोचा कि अरे भाई साहब नमस्ते। ओहो नमस्ते भाभी। ये क्या अकेले अकेले भाभी जी को नहीं लाए? आज उसने मुझसे पूछा क्या बनाऊं, तो मैंने कहा भाई मूर्ति रोज बनाती है, आज कुछ नया बना। तब से मुंह फुला के बैठे। सुनो खाना तैयार। भाई मजा आया। भाई साहब कैसा लगा खाना? अरे भाभी जी क्या स्वाद क्या सुगंध, ये तो इसका कमाल है। अरे ये मेरा नहीं, ये तो कार्तिक मसालों का कमाल है। कार्तिक मसाला? बिल्कुल। चंदानी एंड सन्स, एक कंप्लीट किराना मार्ट, लाए हैं स्वाद और शुद्धता से भरपूर कार्तिक मसाले, बगैर मिलावट के शुद्ध मसाले, हर रसोई की पहली पसंद। साथ ही कार्तिक ब्रांड की कार्तिक चाय, घूट घूट में लाए ताजगी। कार्तिक डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों को देने जिंदगी, और शुद्धता से भरपूर तिल्ली मूंगफली सोयाबीन का कार्तिक तेल, और चटपटे अचार में ब्रांडेड अगरबत्तियां, हर गृहिणी की पहली पसंद कार्तिक हींग, स्वाद और सुगंध से भरपूर। जन्म से लेकर विवाह तक सभी जरूरत का सामान उपलब्ध है, तथा मांगलिक आयोजन हेतु पूजन सामग्री व सभी प्रकार का किराना सामान बेहद वाजिब दाम में, और तो और मक्खन, पनीर, चीज, फ्रेंच फ्राइज, नूडल, पिज्जा व फास्ट फूड बनाने के आइटम्स भी, साथ ही डिस्पोजल आइटम्स भी उपलब्ध, और ड्राई फ्रूट की विशाल रेंज। तो आज ही चले आइए चंदानी एंड सन्स, ए कम्प्लीट किराना मार्ट। चंदानी एंड सन्स, ए कम्प्लीट किराना मार्ट, चांगेट के अंदर लूम जी के ढाबे के पास, ब्यावर। सामान की सूची भेजने पर होम डिलीवरी की सुविधा।